इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया, तो आनन फानन में बेटा अपने सर्पदंश से पीड़ित पिता के साथ जहरीले सांप को भी लेकर अस्पताल पहुंच गया। मामला मेही पूर्वा विकास खंड के पांडेपुर का है, जहां विजय कुमार राम के शख्स को घर से कुछ सामान निकालते समय जहरीले सांप ने काट लिया। परिवार वालों को जब इस बात का पता चला तो इलाज के लिए विजय कुमार को बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान विजय कुमार की मौत हो गई। विजय कुमार के बेटे विकास मौर्य पिता के साथ साथ उसी जहरीले सांप को भी पकड़कर अस्पताल ले आए थे, जिनका उनके पिता को काटा था। विकास मौर्य ने बताया कि हम लोग सांप को भी पकड़कर साथ ले आए थे, जिससे डॉक्टरों को सांप की पहचान हो सके और उसके जहर का पता लगा सके और उसके पिता का इलाज हो सके, लेकिन बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान ही पिता की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। अच्छा, मृतक कौन है आपके और कैसे मौत हुई, क्या हुआ? पिता है हमारे विजय कुमार, जो सामान निकाल रहे थे तो सांप निकाल लिया, उसी वजह से मौत हो गई। अस्पताल में लेके आए और इलाज के दौरान मौत हो गई, और सांप भी साथ में लेके आए थे। सांप को क्यों लेके आए? सांप इसलिए डॉक्टर को दिखाने के लिए, इसीलिए लेके आए थे। कौन से गांव का मामला है ये? मीपुरवा गाँव, गाँव पांडे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।